ख्याल रखना पिक्चर में सामने की कुर्सी पे ना पाँव रखना पिक्चर में आजू बाजू वालों का ख्याल रखना पिक्चर में मोबाइल और बच्चे दोनों ऑफ रखना पिक्चर शुरू हो गई पिक्चर शुरू आज का प्यार कैसा टू मिनट्स नूडल जैसा पेट में गया और पर एफबी पे पैदा हुआ कार में हुआ जवा कोर्ट में जाके गया मर अपनी कहानी सच्चा प्यार दिखलाएगी खाबों की सतरंगी फुहार बरसाएगी क्या ना बांटेंगे ना हक ना डांटेंगे गुदगुदी थोड़ी करेंगे Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. हमेशा से बर्फी से शिकायत करती थी कि उसकी कोई ढंग की तस्वीर नहीं है मेरे पास और उसका हमेशा एक ही जवाब होता था मरने से पहले भेज दूंगा माला चढ़ा देना और कल जाते जाते बर्फी अपना वो वादा भी पूरा कर गया बचपन से ही मेरे लिए प्यार का मतलब था किसी के साथ हर पल जीना और साथ में ही मर जाना मेरे नाना नानी की तरह मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरे नाना गुजर गए और ठीक एक दिन बाद मेरी नानी भी चल बसी मैं भी ऐसा ही अनचाहती थी लेकिन बर्फी तो मुझसे मीलों दूर दार्जिलिंग में आखिरी सांसें ले रहा था
पता नहीं था कि मैं वक्त से पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। बर्फी ने सिखाया था कि खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। हथेली भर पानी में भी जहाज तैरते हैं। उम्मीदें हो तो कागज की चिड़िया के भी पंख होते हैं। वो हमेशा हर हाल में खुश रहता था और मैं जाने अनजाने बार बार उसकी जिंदगी में मुसीबत दिलाती रही, पर उसने कभी शिकायत नहीं की, ना मुझसे ना मुसीबतों से। आपसे कोई गलती हो रही है? नहीं नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। एंड थैंक यू वेरी मच मिसेस सेन गुप्ता। आप कंप्लेंट नहीं करता तो हम इसको पकड़ता कैसे? लेकिन आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? लंदन। जस्ट जोकिंग मिसेस सेन गुप्ता। दार्जिलिंग दार्जिलिंग। ये चलो चलो।
मोदी, दादा का फोन है। पहले भी दो बार फोन कर चुके हैं वो। जी। ये पुलिस क्यों आई थी घर पे? तुम्हें एक बार भी लगा नहीं कि मुझे फोन करके बता दे? जवाब तो श्रुति। और ये बर्फी कौन है? क्या लगता है तुम्हारा? इतने सालों में पहली बार हमारे घर पुलिस आ रहे हैं। बर्फी क्या लगता है मेरा? रंजीत के उस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शादी के 6 साल बाद भी बर्फी क्या लगता था मेरा? ये चिट्ठी उनको दे देना। उस दिन मैं सारी मर्यादा तोड़ के बर्फी की मदद के लिए निकल पड़ी। इतनी हिम्मत शायद इसलिए कर पाई क्योंकि मैं बर्फी से तब भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि 6 साल पहले, जब बाबा की दार्जिलिंग पोस्टिंग हुई थी। अरे खिड़की बंद कर, ठंड लग जाएगी। कौन कहेगा इस लड़की की शादी होने वाली है 3 महीने में। परिवार से 108 बताती हूँ। तुम तो कहती थी तुम यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हो। 20 साल पहले की बात है, यहाँ थोड़ी रहता है। हाँ अभी देखो देखो जल्दी क्या है वो, देखो। एक सौ एक बटा चार गवर्नमेंट बंगलोज हिल रोड। हाँ हाँ हिल काट रोड। चलेगा प्रेशर कुकर? थोड़ा ज्यादा लगा है जनाब, तो थोड़ा अच्छा प्रेशर कुकर लेके देंगे आप। अगर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है इनकी जान, तो फिर ये 100% सुरक्षित प्रेस्टीज लेके देंगे। लेकिन प्रेस्टीज क्यों? निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फी नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होम्योपैथी की पूड़ी बेचता है। होम्योपैथी रास का साला बर्फी। कभी ना रुकता रे, कभी ना थमता रे, गम जो दिखा उसे खुशियों की ठोकर मारे। पलकों की हारमोनिया, नैनों की गारे सारे, धड़कन की रिदम पे ये गाता जाए गाने प्यारे। भोला ना समझो ये चालू खिलाड़ी है बड़ा बड़ा।
जैसी है, आंखों ही आंखों में कर बातें। बर्फी हर जगह बहुत प्यार बढ़ता था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के। तभी तो उसके इतने चाहने वाले थे। बचपन का यार था मेरा, भूत का पेच लड़ाया करते थे हम। वो गूंगा बहरा था लेकिन बहुत अकरू था। उसका साथ एक प्रॉब्लम था, वो सोचते लोग उसके छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए हमेशा दोस्ती का परीक्षा लेता था। बर्फी जब अम्मा जी की कोख में था सोया, अम्मा ने बर्फी का रेडियो मंगाया। बर्फी मुन्ना जैसा लल्ला अम्मा का था सपना। मुन्ना जब हौले हौले दुनिया में आया, बाबा ने सिलोन वाला स्टेशन लगाया। रेडियो ऑन हुआ, अम्मा ऑफ हुई, टूटा हर सपना। मुन्ना म्यूट ही आंसू बहाए, हाय ओए। मुन्ना झुनझुन सुन भी न पाए, झुनझुन झुनझुन झुन हाय झुनझुन झुनझुन झुन। बाप ने उसका नाम मर्फी रखा था। कोई पूछे तो बोलता आपका चॉकलेट खा लिया। आ,
मैं घड़ी की सुइयां 15 मिनट पीछे कर रहा हूँ। मान लो कि मैं तुमसे मिला ही नहीं, मान लो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, मान लो तुमने नया दोस्त बनाया है जिसका नाम बर्फी है, मान लो तुम्हारी शादी में बर्फी नाच रहा है, हाउ स्वीट। और जब इतना कुछ मान ही लिया है तो मान भी जाओ और मुस्कुरा के हाथ हिला दो। मुझे तो लगा तुमने उसे टालने के लिए कहते थे you're engaged. Very handsome. I know. कॉलेज में हर लड़की इसमें मरती थी। Love marriage. What? एक दिन अचानक लाइब्रेरी में आया, मेरा हाथ पकड़ के बोल दिया, Will you marry me? फिर मैं तो डर गई। मैं माँ से कोई बात नहीं छुपाती थी। रंजीत के बारे में माँ को बताया। उन्होंने बस एक ही सवाल किया, उसके पापा क्या करते हैं? लेकिन पता नहीं क्यों, दार्जिलिंग आके मैं अपने आप को रंजीत से आजाद महसूस कर रही थी। बर्फी की तेज हवा के झोंकों के साथ कब मैं अपनी नबी तुली जिंदगी से इतनी दूर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। बर्फी ने आवारा बादलों की तरह आजादी से जीना सिखाया, उल्टे पैर में सीधे पैर की जुराब पहनना सिखाया, सबसे बड़ी बात ये सिखाई कि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कभी कोई रिस्क ना लेना। सेन गुप्ता फ्रॉम कैलकटा, इतना फास्ट आ गया। चल मार साला शूरर बच्चा। इंस्पेक्टर साहब ये बोल नहीं सकता है। हमको मालूम है, हमको हमारा चोर पुलिस का रिश्ता बहुत पुराना है।
देखिए आपसे कोई गलती हुई है। हमको हमारा गलती मत बताओ तुम, हमारा कोई गलती नहीं है। और अगर तुमको इसका हेल्प करना मांगता है तो तुम जाओ, जाके वो ऐसा बोलने वाला कोई गूंगे का लैंग्वेज बोलने वाला उसको लेके आओ, नहीं तो हम अगर इस पे कोई भी केस ठोक दिया तो ये तो गया काम से। केस मतलब किया क्या इसने? क्या किया इसने? क्या किया इसने? ये देखो हमारा वेज जो था 52 था, अभी 42 हो गया है। पूछता है क्या किया है? कम आइए आइए, ये देखिए देखिए आपका बर्फी। क्या किया इसने? बैंक लूटा इसने मिसेस सेन गुप्ता, बैंक लूटा है। नो, डोंट बी सरप्राइज्ड, द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। इसने दार्जिलिंग का सबसे मशहूर आदमी का ग्रैंड डॉटर का किडनैप किया है। ये देखिए मिस झिलमिल चैटर्जी, हैप्पी? छह साल की थी जब झिलमिल के घर वाले उसे मुस्कान में छोड़ गए थे। वो उसकी तरह पाक रूई की तरह नाजुक, उन दिनों भी ऑटिज्म को बीमारी माना जाता था। झिलमिल के माँ बाप सोसाइटी में उसको लेकर बहुत शर्मिंदा थे। कहते हैं कि एक दिन शराब के नशे में उसकी माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद उसके नाना उसे मुस्कान में छोड़ गए। तब से ये मुस्कान ही उसका घर बन गया। संभाल लोगे? कैसे रखोगे उसे? घर पर काफी नौकर हैं। नौकर? दरअसल उसके नाना जी की तबीयत काफी खराब है, परहैप्स हिज लास्ट फ्यू डेज, और उनकी जिद है कि झिलमिल को घर लाओ, पर आप तो जानते हैं कि उनके ऑर्डर को कोई टाल नहीं सकता। दाजू हाँ? आपको आना पड़ेगा। झिलमिल, झिलमिल, इतने सारे बच्चों में झिलमिल दाजू की सबसे लाडली थी, और हो भी क्यों ना, वो थी इतनी प्यारी। दाजू का बस चलता तो वो कभी झिलमिल को जाने ही नहीं देते। शराबी माँ, जोहरी घर जमाई बाप, झिलमिल को समझने के लिए बहुत प्यार और धैर्य की जरूरत थी।
जंग बहादुर नानू ले ले लेना दिल ये मेरा बस में नहीं पहले कभी ऐसा होता था नहीं
बस में नहीं पहले कभी ऐसा होता था नहीं तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं कहने पे चलता नहीं कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं तू ही बता इस दिल का मैं उफ अब मैं क्या करूं 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 इस दिल का क्या करूं मैं 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 क्या करूं आपकी तबीयत ठीक नहीं लॉयर ने कहा यहां पर मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं आवारगी इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की जाने गुम है कहां बातों में है पड़ा बेकार की करता है आवारगी इस पे तो धुन चढ़ी है प्यार की ना जाने गुम है कहां बातों में है पड़ा बेकार की उल्टी ये बात है ऐसे हालात है गलती करे ये मैं भरूं उफ दिल का क्या करूं मैं 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 क्या करूं इस दिल का क्या करूं मैं 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 क्या करूं दिल पे मेरा काबू नहीं फितरत कभी इसकी ऐसी थी नहीं तू ही बता इस दिल का मैं अब क्या करूं कहने पे चलता नहीं कुछ दिनों से मेरी भी सुनता नहीं तू ही बता इस दिल का मैं उफ दिल का क्या करूं मैं 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 क्या करूं उस अब मैं क्या करूं 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 मैं क्या करूं
नाम क्या है उसका? किसका? किसका? बर्फी? तुझे पता है ना, मैं जब तेरी उम्र की थी यहाँ दार्जिलिंग में ही पढ़ती थी। पता है। लेकिन तुझे एक बात नहीं पता। क्या? उस आदमी को देख रही है ब्लू स्वेटर में? हाँ। मेरी सहेली का भाई बहुत हैंडसम था, पागल थी मैं इसके पीछे, इतना कि इसके साथ भाग जाना चाहती थी। फिर? मैं स्टेशन पे खड़ी थी, हाथ में टिकट था और ट्रेन छूट गई। मैं नहीं गई इसके साथ। जब से तेरे पापा का ट्रांसफर हुआ यहाँ, जब भी मौका मिलता है मैं चली आती हूँ और दूर से इसे देखती हूँ, और ये सोच के डर जाती हूँ कि अगर मैं उस दिन भाग गई होती तो क्या होती मेरी जिंदगी, और तुझे क्या जिंदगी देती। तू जिस मोड़ पे खड़ी है मैं वहां से मुड़ गई थी। रंजीत से प्यार? रंजीत इज परफेक्ट फॉर यू। क्या बात सिर्फ पैसों की है? नहीं, बात सिर्फ पैसों की नहीं है। जो तू सुनना चाहेगी वो बोल नहीं पाएगा, और जो तू कहेगी वो सुन नहीं पाएगा। वो खामोशी भी प्यार की जुबान होती है। वो खामोशी धीरे धीरे एक दिन तेरे प्यार को ही खामोश कर देगी। तू शायद उसे इशारों में बात कर भी लेगी, लेकिन दुनिया तुझे देख के इशारे करेगी। आप पापा से सच में प्यार करती हो? किसने कहा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है? इसको तो शायद मेरी शक्ल भी याद नहीं। और ये पैसे मांगने आ, तेरे को बताता आदरणीय श्रुति का पिताजी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, पर मैं जानता हूँ आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो। वो मुझे प्यार करती है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। हम सब आपस में जब इतना प्यार करते हैं तो एक परिवार क्यों नहीं बन जाते? Yes. उसकी शादी मुझसे करा दीजिए, फिर हमारा जीवन झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्लीज हाँ बोल दीजिए, आपका आज्ञाकारी बर्फी।
क्या है? क्या लिखा है उसमें? चंदा मांगने आए हैं, गुंगा बहरा है ना। ओ
बोलो। ये पूछता है झिलमिल कहाँ है? कौन लिखा? हमको पॉलिश समझता है। इसको बोलो एकदम बिगनिंग से बोले, मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ गुजर गई, मेरे बाप गाड़ी चलाता था। इतना बिगनिंग से नहीं, यहां से बिगिन करो। श्रुति का जाने के बाद बर्फी एकदम चेंज हो गया था। उसका बाप का नौकरी भी चला गया था। ये सब हुआ झिलमिल का नाना जी का मरने के बाद। नानू, झिलमिल का नाना जी सब पैसा झिलमिल का नाम एक ट्रस्ट में छोड़ के चला गया और झिलमिल का बाप को पगार पे रखा, सब नौकर जैसा। रोज झगड़ा होता था। एक दिन झिलमिल का बाप सब नौकर को नौकरी से निकाल दिया। बर्फी का बाप के साथ साथ मालती मासी को भी। ये भी नहीं सोचा कि मालती मासी के बिना झिलमिल कैसा रहेगा। Thank you.
ऑपरेशन करना पड़ेगा। Did she touch the goose? She found herself stuck to it. Good night. Hello. Ah. Mr. Chatterjee. हाँ, good evening, sir. Kidnap? आपका बेटी? Are you sure? दूसरा सर्वेंट्स को लेके आओ, इसे साथ ले जाओ।
सुसु Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. Yeah.
मैंने 15 साल उसे संभाला और तुम लोग सिर्फ 15 दिन नहीं संभाल पाए। ये लेटर कितना बजे आया? आज ही सुबह लेटर बॉक्स में है। मत ले जाओ उसे। पैसा सिर्फ पैसा। मुझे सब पता है ये घर में क्या चल रहा है। क्या मतलब है आपका? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? जो बात आपको पता नहीं है वो आपको करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे पुलिस खड़ी है, उनके सामने इस तरह की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप अच्छे से पूछताछ कीजिएगा। इस घर का लोग ही इन्वॉल्व है। देखो आधा है धीरे धीरे चखना जरा, हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, कंखी से तकना जरा। ये जो लम्हे लम्हों की बहती नदी में हम भीग लूं। ये जो आंखें हैं आंखों की गुमसुम जुबा को मैं सीख लूं, हाँ सीख लूं। अनकही सी गुफ्तगू, अनसुनी सी जुस्तजू, बिन कहे बिन सुने अपनी बात हो गई सावली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी।
209 210 210 211 211. पेशेंट का नाम क्या है? जंग बहादुर। इकड़ी मिकड़ी चाम चिकड़ी। सर, सर, वाइफ प्रेग्नेंट है। तुम तो नहीं है ना? बैठो बैठो। वो बोला? नहीं बोला सर। तुमने उसको बोला? नहीं बोला सर। तो क्या करे, बोलो। आप बोलो सर, क्या करें? वो तो आ गया। हाँ सर, आ तो गया है। तुम जाओगे या मैं जाऊं? एक घंटा बचा है सर। मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। हमको दो रैंसम नोट आया था। पहला 7,000 रुपए का, वो बर्फी ने लिखा था। दूसरा 1,00,000 रुपए का, वो पता नहीं किसने लिखा था। अगर अपनी बेटी को जिंदा चाहते हो तो 1,00,000 रुपया लेके नोना पुकर पे रात को 11 बजे पहुंच जाना, नहीं तो लड़की बचेगा नहीं। तो बड़ा साहब मिस्टर चैटर्जी के साथ ठीक 11 बजे ब्रिज पे पहुंच गया। दर्जन भर सिपाही झिलमिल को लेक में ढूंढते रहे। साला समझ में ही नहीं आ रहा था
कहानी का विलन कौन है? अगर झिलमिल को मार दिया तो किसका फायदा था उससे? हम अपना इंटोग्रेशन थाने में चालू रखा। हमको मालूम था कोई ना कोई हिंट तो जरूर मिलेगा। हिंट तो नहीं मिला, पर जो मिला वो इमोशनली शॉकिंग था। निगाहों में इन चमचमाती अदाओं
रे।
सर बड़े साहब बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सेन गुप्ता, वेटिंग। संचित को सामने देखकर फिर कमजोर पड़ गई। एक बार फिर बर्फी को पीछे छोड़ाई थी। किस्मत मुझे बार बार मौका दे रही थी, पर पता नहीं क्यों मुझ में कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अपने दिल की सुनूं। और शायद इसलिए किस्मत ने मेरी नहीं सुनी। बर्फी झिलमिल को लेके कहीं भी जा सकता था, लेकिन किस्मत उसे कोलकाता लाई। या फिर पता नहीं, शायद बर्फी खुद आया, क्योंकि उसे पता था मैं कोलकाता में हूं। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया।
के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के पिनकों से चल बनाए आशियाँ ना हो चार दीवारें फिर भी झरोके खुले बादलों के हो परदे शाखें हरी पंखा झले ना हो कोई टकराने अरे मस्ती ठहाके चले प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले दबे दबे पांव से आए हौले हौले जिंदगी होठों पे कुंडी चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बाट ले आजा दिल की ये जमी थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ Thank you.
मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्फी मेरी जिंदगी में इस तरह लौट कर आएगा। इतने सालों बाद जब मैं बर्फी से दोबारा मिली, मेरी मुलाकात बर्फी से नहीं हुई, उस लड़की से हुई जो मिसेस सेन गुप्ता के नेम प्लेट के नीचे दब गई थी। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। माँ ने कहा था कि बर्फी और मेरे बीच की खामोशी एक दिन हमारे प्यार को ही खामोश कर देगी। मैं और रंजीत बात तो करते थे पर दिल खामोश थे। हम शब्दों को सुनते थे पर उन्हें महसूस नहीं करते थे। हम हर लिहाज में पूरे थे पर हमारा प्यार अधूरा था। बर्फी अधूरा था पर उसका प्यार पूरा था। कबूल क्या कीजिए, हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मयसर कर दिया, जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आस बाकी है।
बस इतना पता है कि वो दार्जिलिंग से है। माँ बाप किसी का तो नाम पता मालूम होगा। मिसेस सेन गुप्ता। जी हाँ मैं ही मिसेस सेन गुप्ता हूँ। मिस झिलमिल चैटर्जी का मिसिंग रिपोर्ट हाँ जी आपने लिखवाया था। जी बार डर हुआ। पहली बार घर से किडनैप हुआ, दूसरी बार वो बर्फी हमारा नोज के नीचे से उसको लेकर भाग गया। फिर 6 महीने कुछ पता नहीं। हम सोचा केस क्लोज्ड, हमें क्या करना। पर 6 महीने बाद हमको चैटर्जी ने बुलाया घर पे और क्या दिया हमको, एक रैंसम नोट, वो 1,00,000 रुपए वाला रैंसम नोट। केस रीओपन। लेकिन इससे पहले हम कुछ करता, कैलकटा से फोन आया कि कोई मिसेस सेन गुप्ता ने कैलकटा में रिपोर्ट किया है कि झिलमिल मिसिंग है। झिलमिल मिसिंग कैलकटा में और रैंसम नोट घूम में, माने सब घूम रहा था। वो क्या घटिया जासूसी नॉवल की तरह। अब सर लड़की के बाप को बताना पड़ेगा झिलमिल को किसने मारा। किसने मारा हमारे पास है कौन? बर्फी, उसी ने मारा। लेकिन उससे कैसे मारा सर, वो तो हमारे साथ है। तुम्हें पता है, मुझे पता है, मिस्टर चैटर्जी को थोड़ी ना पता है। नहीं, नो, फंडामेंटली दिस इज रॉन्ग सर। फंडामेंटली वो नौकरी से निकलवा देगा, बहुत पावरफुल है, स्कूल से नाम कट जाएगा। पर हम तो स्कूल में पढ़ता नहीं है सर। तुम्हारे बच्चे तो पढ़ते हैं, नौकरी से निकाले जाओगे तो फीस कौन भरेगा। चैटर्जी को बताएंगे कि लड़की के मरने के बाद मिला, वो गूंगा बहरा है, कुछ बोल नहीं पाएगा। सिंपल। हेलो मिस्टर चैटर्जी। क्या ढूंढ रही है? लॉयर का नंबर। तो कुछ खा ले श्रुति। जब भी मौका मिलता अब चोरी छुपे उस हाथी को दूर से देखते क्यों चाहती हो? क्योंकि अब आज भी उसी से प्यार करती हूँ, है ना? क्या अब सचमुच पापा से प्यार करती हो? Don't do this, Mr. Chatterjee. Don't do this, Mr. Chatterjee.
हम आपको सेफ समझता है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करो। गाड़ी निकल रहे। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आती हूँ। जाना जरूरी है? श्रुति, फिर वापस मत आना। हमको सूझा नहीं हम किसको बुलाए, किसी को बुलाता तो भी आता नहीं। झिलमिल का मर्डर किसने किया मालूम नहीं, लेकिन सब पूछेंगे तो यही बोलेंगे इसने किया है। आई फाइंड आउट कि असली मर्डर कौन है, बट टाइम तो जाएगा इसमें। हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है नहीं, आपका तो शायद इसके लिए ये फंस जाएगा। मिस्टर सेन गुप्ता, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, आप इसको लेके चला जाओ। लाइफ में सेकंड चांस तो सबको मिलना चाहिए।
पता नहीं क्यों, लेकिन झिलमिल के गायब होने का मुझे अफसोस कम और खुशी ज्यादा थी, क्योंकि बर्फी अब मेरा था। पर जो प्यार को खो दे वो कैसे जीता है मुझसे बेहतर कौन जान सकता था। बर्फी को देख के मुझे एहसास हुआ कि मौका तो आया था पर बहुत देर से। मैं बर्फी के पास थी पर उसका मन वो तो हर पल झिलमिल के पास था। तुम हो बर्फी, झिलमिल को ढूंढने आया हो यहाँ, लेकिन क्यों? जी, झिलमिल के पास यहाँ का नंबर था। इसे लगा कि शायद एक आखिरी उम्मीद। झिलमिल यहाँ क्यों होगी? वो तो कब की मत, झिलमिल नहीं आई है। किसी को बताया था? नहीं, बताना भी मत। क्या करूं, मजबूरी थी। सोचा था 6-7 घंटों के लिए उसे गायब करूंगा और अपने ससुराल वालों से पैसे निकलवा लूंगा। कर्जों ने दम घोट रखा था, कुछ 1000 रुपए पगार पे रखा था मुझे उसके नाना ने, और सारे पैसे रख दिए थे झिलमिल के नाम के ट्रस्ट में। उस ट्रस्ट से पैसे निकलवाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। गलती,
बहुत बड़ी गलती। मैं जिलमिल से बहुत प्यार करता हूँ राजू। क्या तुम फिर जिलमिल को वापस ले जाओगे? हाँ, इसकी माँ इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। क्या तुम्हें अभी भी पैसों की जरूरत है? जिलमिल यहाँ बहुत खुश है। चुपचाप तमाशा देखते रहे। उनके सामने बर्फी था, उनसे ज्यादा झिलमिल के लिए पागल। झिलमिल मुस्कान में रहेगी या बर्फी के साथ जाएगी, उसका फैसला उन्होंने झिलमिल पर छोड़ दिया था। Bye.
हमेशा ऐसी ही जिंदगी चाहती थी, अपने नाना नानी की तरह। इतना गहरा प्यार, साथ साथ जीना और साथ ही मर जाना, एक दूसरे की बाहों में, ताकि पीछे कोई अकेला ना रह जाए। वो दोनों चले गए साथ साथ और मैं अकेली रह गई। झिलमिल की जगह मैं हो सकती थी, पर यह मौका उसे मिला, क्योंकि उसने सोच समझ कर प्यार नहीं किया और ना उसने प्यार हो जाने के बाद कुछ सोचा समझा। उसने सुख और आराम की जिंदगी बिताने के लिए प्यार नहीं किया, उसने बस प्यार किया और जिंदगी अपने आप सुख और आराम से बीतती गई। तराने चुपके चुपके गाए आधी आधी बाट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओगे तिनको से चल
लगा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए आधी आधी पाट ले आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के दिन को से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों